Good morning, students. Very, very good morning, all of you. How are you? All are fine? Very good. सब अच्छे हो ना? Yes, very good. So, this is your EVS period. I welcome you all in our EVS period. In the previous EVS period, we have started lesson number 2, that is our house. Our house. Okay. In that we have seen kacha house. We have seen now. I shortly revise which topic we have discussed in the previous period. है ना, जो भी टॉपिक हमने प्रीवियस पीरियड में डिस्कस किया है मैम शॉर्ट में उसको रिवाइज करते हैं. ओके, लिसन केयरफुली. सो हमने देखा है कि हाउस हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, किससे किससे प्रोटेक्ट करता है ना. हाउस कीपर से फ्रॉम थ्यूज, वाइल्ड एनिमल्स एज वेल एज हीट, कोल्ड, रेन. देन हाउस में भी बिग और स्मॉल, हाउस स्मॉल भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है. देन इट मे बी पक्का हाउस और कच्चा हाउस. हमने ये दो प्रकार भी देखे थे हाउस के, एक कच्चा हाउस, पक्का हाउस. सो कच्चा हाउस जो है, विच मटेरियल डू वी यूज टू बिल्ड कच्चा हाउस. कच्चा हाउस बिल्डअप करने के लिए विच मटेरियल डू वी यूज, वी हैव सीन इट. वी यूज, क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? मड, स्टोन्स, लीव्स, स्टिक्स, स्ट्रॉ, बाम्बू, है ना. दिस मटेरियल वी यूज टू बिल्ड अ कच्चा हाउस. ये सब मटेरियल हम कच्चा हाउस बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं. देन वी हैव सीन अबाउट पक्का हाउस ऑल्सो. पक्का हाउस, सो दिस हाउस आर कॉल्ड परमानेंट हाउस ऑल्सो. ये जो पक्का हाउस रहता है हम उसको परमानेंट हाउस भी कह सकते हैं, कहते हैं, है ना. वो परमानेंट होता है ना हमारे लिए. यस, सो एंड इट इज स्ट्रॉन्ग. वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग होता है. कच्चा हाउस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. कच्चा हाउस स्ट्रॉन्ग हो सकता है क्या? नो. अगर जोर से बारिश आ गई तो कच्चा हाउस डैमेज हो सकता है ना, गिर सकता है, क्योंकि वो किससे बना है? मड, स्ट्रॉ, स्टोन्स, इससे बना है. और पक्का हाउस जो है, विच मटेरियल डू वी यूज टू बिल्ड पक्का हाउस? पक्का हाउस बनाने के लिए हम यूज करते हैं, हमने देखा है, ब्रिक्स, ईट, इटाई, है ना. देन सीमेंट, सीमेंट यू नो. देन कॉन्क्रीट. अभी कॉन्क्रीट क्या है? अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल स्टोन्स. कॉन्क्रीट क्या होता है? अ मिक्सचर, एक मिक्सचर है. फिर वो मिक्सचर किसका है? स्मॉल स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थर. देन सैंड, जिसे हम रेती कहते हैं, है ना. देन मराठी में वाळू कहते हैं, वो सैंड, एस ए एन डी. देन सीमेंट एंड वॉटर, इसका वो मिक्सचर होता है. और ये मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट कहते हैं. समझ में आ गया ना? यस, हम कहते हैं ना सीमेंट कॉन्क्रीट का घर है ना. यस, सो देन हमने ये भी देखा था बंगलो. See, bungalow also, on page number 10, we have seen it. This is the bungalow. हाँ, देखो, it has many rooms. Bungalow को क्या रहता है? बहुत सारे rooms होते हैं. हाँ, window, rooms, हाँ, doors, like that. So, पक्का house in cities are buildings and bungalows. Mostly, we can see पक्का house in the, and bungalow, we can see in the, कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं हमें मोस्टली? सिटीज में. सिटीज में, शहरों में मिलता है कि नहीं? यस. एंड कच्चा हाउस, कच्चा हाउस हमें मोस्टली कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं? इन विलेजेस, विलेज में देखने के लिए मिलते हैं. ओके, सो नाउ पक्का हाउस, पेज नंबर 10. अब पक्का हाउस लास्ट पैराग्राफ आई एम रीडिंग. वी हैव डिस्कस्ड इट. पक्का हाउस इन सिटीज आर बिल्डिंग्स एंड बंगलोज. अ बंगलो हैज वन और टू स्टोरीज, यूजुअली विथ अ वरांडा अराउंड इट. और उसके आजू बाजू में क्या रहता है? देखो, ऐसा वरांडा रहता है. सी, देखा आपने, आपके टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 10. अ बंगलो, अ बंगलो, बी यू एन जी ए एल ओ डब्ल्यू, इट इज बंगलो. देखो ये बंगलो का पिक्चर है.
देन नाउ पेज नंबर 11 वी आर गोइंग टू सी टुडे पेज नंबर 11 पेज नंबर 10 वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पीरियड हमने उसको डिस्कस किया था है ना यस सो अभी हमने क्या किया है 5 मिनट्स में हमने उसको रिवाइज किया है शॉर्ट में नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पेज नंबर 11 सो ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 11 अभी सबको ईवीएस का टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 11 निकालना है ओके अभी देखो क्या है वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक बिल्डिंग का पिक्चर है देखो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग अभी ऐसे जो बिल्डिंग्स होते हैं हमें देखने के लिए मिलते हैं कि नहीं यस हम इसमें रहते भी हैं है ना यस अभी देखो बिल्डिंग्स फर्स्ट आई रीड फर्स्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 11 बिल्डिंग्स विथ मेनी फ्लोर्स और स्टोरीज आर कॉल्ड मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग अभी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग किसे कहते हैं ऐसी बिल्डिंग जिसमें क्या होता है बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं क्या होते हैं फ्लोर्स होते हैं आर कॉल्ड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग अभी देखो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है मोस्टली इन मुंबई मे बी यू हैव सीन इट मुंबई में बॉम्बे में अगर आप जाते हो कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते है ना और फिर हम ऐसा कहते हैं ना कि हमारा घर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है किसी का घर फर्स्ट फ्लोर पे होता है किसी का घर सेकंड फ्लोर पे होता है ऐसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं हम कहते हैं कि नहीं ऐसा हम फ्लोर को मंजिला कहते हैं जैसे हम कहते हैं हम पहले मंजिले पे रहते हैं सेकंड मंजिले पे रहते हैं तीसरे मंजिले पे रहते हैं ऐसा कहते हैं ना सो इसे फ्लोर्स कहते हैं क्या कहते हैं फ्लोर जैसे अगर हम नीचे रहते हैं बिल्डिंग में सो ग्राउंड फ्लोर दिस इज ग्राउंड फ्लोर देन अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ऐसे ये बिल्डिंग को ऐसे बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं 1, 2, 20, 25 अभी मुंबई में अगर आपने देखा ऐसे बिल्डिंग्स तो उसमें 25, 30, 35 तक फ्लोर्स होते हैं हाँ समझ में आ रहा है ना यस सो ऐसे बिल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग I'm राइटिंग इट ऑन द बोर्ड MULTISTORIED building मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ओके सो ईच हाउस इन दिस बिल्डिंग इज कॉल्ड अ फ्लैट अभी देखो और वो फ्लोर में फ्लैट्स होते हैं फिर जो हाउस होते हैं फ्लैट्स होते हैं ना वो अपार्टमेंट्स हम जिसे कहते हैं देखो ऐसे आमने सामने ऐसे रहते हैं ना फ्लैट हम एड्रेस में राइट करते हैं फ्लैट नंबर 6 फ्लैट नंबर 7 है ना ऐसे फ्लोर पे हमारे फ्लैट्स होते हैं ना ऐसा यस सो ईच हाउस इन दिस बिल्डिंग इज कॉल्ड अ फ्लैट जो हर एक हाउस होता है वो फ्लोर पे हम उसे क्या कहते हैं फ्लैट कहते हैं FLAT फ्लैट देन सम बिल्डिंग्स आर वेरी टॉल अभी कुछ जो बिल्डिंग्स होते हैं ऐसे वो बहुत टॉल होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं दे आर कॉल्ड skyscrapers क्या कहते हैं उसको skyscrapers 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 अभी देखो मैम आपको आई विल शो यू द इमेज देखो स्काई स्क्रैपर आर यू एबल टू सी दिख रहा है सबको देखो ये इट इज skyscrapers ओके रीड इट स्पेलिंग रीड करना है सबको skyscrapers skyscrapers ओके ऐसा जो वर्ड होता है सो आपको क्या करना है उसको रीड करना है उसका स्पेलिंग रीड करना है एकदम से तो नहीं आएगा स्लोली स्लोली आपको आ जाएगा ओके skyscrapers अभी जब आप ऐसे बिल्डिंग्स देखते हो सो कुछ कुछ बिल्डिंग्स अभी मुंबई में है बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं सो आप देखते हो ना कि जो बिल्डिंग्स होती है वो देखने के लिए हम ऐसा ऊपर तक देखते हैं ऐसा और हमें लगता है कि बस वो बिल्डिंग अभी स्काई को टच कर रही है क्या ऐसे लगता है ना हमें इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स रहते हैं ना टॉल बिल्डिंग्स होते हैं
है ना। सो उसे क्या कहते हैं, स्काई क्रैपर्स। क्या कहते हैं उसे, स्काई क्रैपर्स। समझ में आ रहा है? यस। सो देखो कितनी टॉल बिल्डिंग है, देखो ऐसे लगता है कि एकदम स्काई को टच कर रही है, ऐसे लगता है देखो, इसलिए उसे स्काई क्रैपर्स कहते हैं। देन ऑल हाउसेस हैव डोर्स एंड विंडोज। हर जो हाउस है, हर एक जो हाउस है उसको क्या रहता है, डोर्स मींस दरवाजा, देन विंडो, हाँ खिड़कियां रहती है। टू लेट इन एयर एंड सनलाइट। अभी डोर एयर सॉरी डोर विंडो में से क्या होता है, फ्रेश एयर अंदर आती है ना, यस और सनलाइट, सूर्य प्रकाश जो रहता है, सनलाइट जो रहता है वो भी अंदर आता है ना। अगर हाउस है और खाली दिवाली है, कुछ विंडो नहीं है, एक बस ओनली वन डोर इज देयर, सो वी कांट टेक फ्रेश एयर, हमें फ्रेश एयर मिल पाएगी क्या, नो। एंड फॉर ब्रीदिंग वी नीड फ्रेश एयर, सांस लेने के लिए हमें ताजी हवा चाहिए, है ना, फ्रेश एयर चाहिए, देन सफिशिएंट सनलाइट चाहिए हमारे घर में, सनलाइट भी जरूरी होता है, इसीलिए क्या होना जरूरी है, डोर्स एंड विंडोज, दरवाजा एंड खिड़कियां। ओके, सम पीपल ऑल्सो लिव इन अदर काइंड्स ऑफ हाउसेस। अभी कुछ लोग जो है और भी प्रकार है हाउस के, उसमें रहते हैं। ओके, अभी देखो वहां पे आपको पिक्चर्स दिए हैं पेज नंबर 11 पे, पहले हम वो पिक्चर्स देखते हैं। फर्स्ट वी विल सी द पिक्चर्स, विच हाउस इज दिस, फर्स्ट इज ट्री हाउस। अभी देखो ट्री हाउस मीन्स ये हाउस कैसा है, ट्री पे है, देखो ट्री पे है, हाँ। देन हाउस बोट, मैम एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम पिक्चर देख लेते हैं, देन हाउस बोट। अभी हाउस बोट जो है, इट इज अ फ्लोटिंग हाउस, इट इज अ फ्लोटिंग हाउस, और जो हाउस है जो हाउस है वो किसके जैसा है, किसके जैसे दिखता है, बोट के जैसा, किसके जैसा, बोट के जैसा। अभी देखो आप कितना अच्छा लगता होगा इसे बोट के जैसे घर में, है ना, यस बहुत मजा आती होंगी कि नहीं, यस। एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन, कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं हमें ये ऐसे हाउस बोट, मोस्टली इन कश्मीर, हमें मोस्टली ये कश्मीर में देखने के लिए मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, कश्मीर, हाउस बोट, वो पानी पे तैरते हैं। देन वुडन लॉग कैबिन, देखो वुडन लॉग कैबिन, अभी देखो ये वुडन का है, कंप्लीटली वुडन लकड़ी का। देन हाउस ऑन स्टिल्स इन शैलो वाटर, अभी देखो हाउस ऑन स्टिल्स, ये जो हाउस है किसका है, हाउस ऑन स्टिल्स, किससे बना है, स्टिल्स। देन टेंट विच कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड अलोंग, अभी ये जो टेंट है ये एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा सकते हैं, एंड इट इज मेड फ्रॉम कैनवास और प्लास्टिक। ये जो टेंट रहता है किससे मेडअप रहता है, किससे बना हुआ रहता है, कैनवास और प्लास्टिक से बना हुआ रहता है। सो ये जो टेंट है ये हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा सकते हैं, जैसे मोस्टली देखो बटालियंस जो होते हैं, बटालियंस जो होते हैं ना वो टेंट में रहते हैं, आप देखते हो ना जो आर्मी के कैंप रहते हैं, बटालियंस जो होते हैं वो मोस्टली ऐसे टेंट में रहते हैं। ओके, देन लास्ट वन इज गिवन देयर, इग्लू, इट इज इग्लू, IGLOO, इट इज इग्लू। अभी ये जो इग्लू है मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, देखो ये जो इग्लू है IGLOO, स्पेलिंग यू हैव टू रीड IGLOO, इट इज इग्लू। अभी ये जो इग्लू हाउस है किससे बना हुआ रहता है, इट इज मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, आइस से बना होता है, बर्फ का रहता है, किसके जैसा रहता है, बर्फ, आइस। सो नाउ यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, है ना, समझ में आ रहा है ना सबके। पेज नंबर 11, आई होप यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टी।
मैम को लगता है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. मीन्स पेज नंबर 11. नाउ वी आर गोइंग टू सी पेज नंबर 12. सो हियर वी कंप्लीटेड पेज नंबर 11. पेज नंबर 11 वी हैव कंप्लीटेड नाउ. हमने पेज नंबर 11 कंप्लीट किया है. डिड यू अंडरस्टैंड? यस. सो नाउ पेज नंबर 12. टर्न योर पेज. नाउ पेज नंबर 12. व्हाट इज आस्क्ड? क्या पूछा है? फर्स्ट आई रीड. लिसन इट केयरफुली. कीप योर फिंगर ऑन ईच वर्ड. दिस इज क्लासरूम एक्टिविटी. क्लासरूम एक्टिविटी. Children can be divided into 5 or 6 groups. Each group can make models of 1 or 2 types of house. They can use waste material like cardboards, cartons for buildings, coconut fiber for huts, cotton for igloo, broomsticks for bamboo house, आइसक्रीम स्टिक्स फॉर वुडन लॉग कैबिन्स एक्सेट्रा. अभी देखो, अभी ये क्लासरूम एक्टिविटी वहाँ पे बताई है. देखो हम क्या कर सकते हैं, आप घर पे भी बना सकते हो. नाउ यू आर एट होम. अभी आप स्कूल में नहीं हो. अगर आप स्कूल में होते तो हम स्कूल में ये प्रोजेक्ट करते कि नहीं, ये एक्टिविटी हम क्लासरूम में ले सकते थे, है ना. सो अगर आपके घर में मटेरियल है तो आप ऐसा बना सकते हो. लेकिन अगर मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है घर पे, तो डोंट गो आउटसाइड. आपको बाहर जाना नहीं है. आपको बाहर जाना नहीं है, नहीं तो आप जिद करोगे अपने पेरेंट्स के पास कि नहीं ये मुझे सामान ला के दो, ये मटेरियल्स ला के दो. ऐसे नहीं करना है बेटा. अगर जो मटेरियल है अगर आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप ड्राइंग करके भी निकाल सकते हो. आप ड्रॉ भी कर सकते हो पिक्चर्स. बुक में देख के आप पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं. Yes. अगर किसी के घर पे अगर मटेरियल है, कुछ आइसक्रीम स्टिक्स है, कुछ बाम्बू स्टिक्स है, कॉटन है, तो आप बना सकते हो. लेकिन अगर घर पे अवेलेबल नहीं है तो बाहर पेरेंट्स को भेजना नहीं है. डोंट सेंड टू योर पेरेंट्स टू ब्रिंग दिस थिंग्स. बाहर भेजना नहीं है. जो मटेरियल अवेलेबल है उसी में ही आपको वो करना है. अगर नहीं है कोई बात नहीं, डोंट वरी, टेंशन लेना नहीं है. आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ड्राइंग भी निकाल सकते हो कि नहीं वो हाउस के. यस, अच्छे से कलर कर सकते हो, है ना. यस. सो अभी देखो, आप कॉटन यूज कर सकते हो इग्लू बनाने के लिए. इग्लू हाउस जो है हमने देखा है, वो बनाने के लिए आप कॉटन का यूज कर सकते हो. आइसक्रीम स्टिक्स यूज कर सकते हो, है ना. यस. देन We should keep our house neat and clean. हमने हमारा जो house है कैसे रखना है. अभी हमने तो सब देखा, types of house देखे हैं, which material do we use to build up house, ये सब देखा है. House हमें कैसे protect करता है, we have seen it. But it is our duty, it is our compulsory duty, we must keep our house neat and clean. हमने हमेशा हमारा जो हाउस रहता है वो नीट और क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है. कैसे रखना है? क्लीन एंड नीट. ओके. यस. द फ्लोर्स ऑफ द रूम्स आर स्वेप्ट एंड मॉप्ड एट लीस्ट वंस. देखो जो फ्लोर्स रहता है, मतलब जो हमारी घर में जो फर्शी रहती है, टाइल्स रहती है, फ्लोर ना, वो हमेशा स्वेप करना है. उसको पानी से पोछना है. एट वंस, एक बार को भी उसको अच्छे से पानी से पोछना है. एंड मॉप, अच्छे से मॉप करना है. एट लीस्ट वंस, एक बार तो भी वो करना है. क्योंकि क्या होता है, नीचे हमारे पैरों की धूल लगती है, है ना. हम उसी, हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं, है ना. कुछ सामान हम वहाँ पे रखते हैं, चीजें वहाँ पे रखते हैं, तो उसको धूल लग सकती है, डस्ट लगती है. जो हवा आती है, एयर आती है, उससे डस्ट अंदर आती है, फिर वो नीचे रहती है, है ना. इसलिए हमें वो क्लीन रखना बहुत जरूरी होता है. द विंडोज, डोर्स एंड फर्नीचर आर डस्टेड रेगुलरली. अभी देखो, हमारे घर में जो फर्नीचर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोफा, चेयर, टेबल, ये आपको क्या करना है, हमेशा उसको साफ करते रहना है, पोछना है क्लॉथ से.
क्या होता है, डस्ट रहती है कि नहीं वहां पे, है ना? यस, सो वो डस्टेड हो जाता है जो फर्नीचर है। आप देखते हो ना, एक आधा दिन अगर झाड़ू करना नहीं हुआ, झाड़ू पोछा नहीं हुआ कभी कभी, तो आप देखते हो ना कितनी डस्ट हो जाती है घर में, है ना? यस, सो उसको बार बार हमें क्या करना होता है, हमेशा इसे रोज दिन में एक बार उसको पोछना है अच्छे से। द बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स आर क्लीन एवरी डे, जो बाथरूम्स और टॉयलेट्स रहते हैं वो रोज साफ करना है, क्लीन रखना है, है ना? यस। नाउ देखो अभी पिक्चर में क्या दिया हुआ है, सम थिंग्स दैट वी यूज टू कीप अवर हाउस क्लीन। देखो वहां पे कुछ चीजें बताई है आपके टेक्स्ट बुक में है, जिससे हम हमारा घर क्लीन यूज करने में वो सारी चीजें यूज करते हैं, स्वच्छ रखने के लिए हम वो चीजें यूज करते हैं। अभी देखो उसमें क्या क्या है, सोप, साबुन जो रहता है, साबुन जिसे हम कहते हैं वो हम हाउस क्लीन रखने में यूज करते हैं। देन मॉप है ना, ऐसा पोछने के लिए मॉप, यह सीन ना, यस देखो वहां पे दिखाया हुआ है। देन वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर जो होती है वो हम यूज करते हैं। लिक्विड सोप, जो टॉयलेट क्लीनर, जो टॉयलेट बाथरूम साफ करने के लिए यूज किया जाता है। देन डस्टिंग क्लॉथ्स, देखो ऐसा अगर कपड़ा रहा तो हम इसे ऐसे 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 धूल झटकते हैं कि नहीं, हमारे जो फर्नीचर पे बैठी हुई रहती है वो, यस। देन ब्रूम, झाड़ू, देन टॉयलेट ब्रश, ये सारी जो चीजें हैं हम, देखो मैम विल शो यू, सोप, मॉप, देन वॉशिंग पाउडर, देन लिक्विड सोप, डस्टिंग क्लॉथ्स, ब्रूम, टॉयलेट ब्रश, है ना, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं टू कीप अवर हाउस क्लीन, हमारा जो हाउस है वो क्लीन रखने के लिए हम वो यूज करते हैं। देन अ डर्टी हाउस इज इन्फेस्टेड विथ फ्लाइज, रैट्स एंड इंसेक्ट्स। अभी देखो, जस्ट वेट,